सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक बिल्कुल नया फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि है रियलमी का 10 प्रो 5G फ़ोन, जो कि एक कोका कोला एडिशन आपको आया हुआ है और ये लिमिटेड एडिशन है। तो आज इसका अनबॉक्सिंग हम करेंगे, फ़ोन का प्राइस हम बताएंगे और किस किस फीचर्स के साथ आता है, तो सभी चीज़ बताएंगे। दोस्तों, अगर आप रियलमी 10 प्रो परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए 10 प्रो नया पुराना वाला अच्छा रहेगा या 10 प्रो नया वाला कोका कोला एडिशन रहेगा, तो आपके ऊपर है। हम आपको वीडियो के इनमें बताएंगे कौन अच्छा रहेगा कौन अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे, मेरे चैनल को अगर नए हैं मेरे चैनल में तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले इसका डिब्बे का कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोका कोला का एडिशन दिया हुआ है, यहाँ आपको यहाँ भी कोका कोला लिखा हुआ है। रियलमी 10 प्रो 5G फ़ोन है और बैक साइड में कुछ की हाईलाइट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, 108 मेगापिक्सल का प्रो लाइट कैमरा आपको हो जाता है, स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है, 5000 mAh के बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ लिखा हुआ रियलमी 10 प्रो 5G कोका कोला एडिशन। तो जल्दी से इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिल रहा है। तो फर्स्ट कंटेंट है दोस्तों, ये कुछ ग्लास का वो आपको दिया हुआ है, कोका कोला का ये है। और इसमें आपको एज यूजुअल कवर ही रहने वाला दोस्तों, इसको खोलते नहीं है। ये रहा हमारा फ़ोन, डब्बे के नीचे जो है आपका सॉरी केस यहीं पे आपको दिया हुआ है। तो ये सिलिकॉन बैक कवर आपको दिया हुआ, ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा ब्लैक एडिशन टाइप का आपको दिया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है, फ़ोन को प्रोटेक्ट होने से बचाएगा आपको। प्लस ये रहा चार्जर दोस्तों, जो कि है 33 वाट का सुपर वूक चार्जर आपको मिल जाता है, जो कि एक यही चार्जर आपको ओप्पो भी यूज़ करता है और यही चार्जर वन प्लस भी यूज़ करता है दोस्तों, क्योंकि तीनों एक ही ब्रांड है। और ये रहा USB B2 Type-C केबल है। बस दोस्तों, डब्बे के बॉक्स में इतना ही, फ़ोन को अब खोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा प्यारा रियलमी 10 प्रो कोका कोला एडिशन। इस फ़ोन के लिए थम्स अप दोस्तों, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक एंड डिज़ाइन में आपको आया हुआ है कोका कोला एडिशन के साथ। तो मुझे पर्सनली फ़ोन लुक एंड डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसका एक रियलमी 10 प्रो जो पुराना वाला एडिशन है, नॉर्मल एडिशन, वो ये है। तो दोनों में से कौन बेहतर लग रहा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट से जरूर बताइए। मुझे पर्सनली कोका कोला एडिशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अलग ही लुक अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है, क्योंकि इसके रिंग में भी आपको ये रेड टाइप का वो आपको दिया हुआ है, इसके पुराने वाले मॉडल में रिंग दिया हुआ है, ये जिस कलर का फ़ोन है उसी कलर का आपको डिज़ाइन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको साइड में हम रखते हैं, जल्दी से इस फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। ऑन होने तक फ़ोन का रिव्यू लेते हैं। जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिया और राइट हैंड साइड में यहाँ पावर बटन है और यही फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करता है। ऊपर के साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाते हैं, नीचे के साइड में आपको स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ हेडफोन जैक मिल जाता है दोस्तों। तो और इस साइड में है आपका सिम ट्रे, तो देख लेते हैं दोस्तों, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला है या नॉर्मल डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, देख लेते हैं। तो ये है डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है दोस्तों, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि दो सिम के बाद मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, एक सिम है या एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा फ़ोन खोलते के साथ, कोका कोला का ये ब्रांडिंग दिया हुआ है और काफ़ी बेजललेस है आपको ये फ़ोन, 6.5 इंच का फुल एच डी प्लस का IPS पैनल का 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको दिया हुआ, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है, फ़ोन में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों डे टू डे लाइफ में। और डिस्प्ले का कलर भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लगभग 1000 का ब्राइटनेस आपको दिया हुआ है। और इसमें जो कोका कोला एडिशन में एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है दोस्तों, इसका जो UI है ये अलग से ही आपको इसमें एडिशन के तौर पर, ऐसा नहीं कि बाहर से ही, अंदर से भी आपको इसका जो थीम दिया हुआ है पूरा कोका कोला का एडिशन वाला थीम दिया हुआ है, सारा चीज़ चेंज है आपको। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे, आप सेटिंग में कोका कोला लिखा हुआ है, क्लॉक में देख लीजिए, म्यूजिक में देख लीजिए दोस्तों, और गेम सेंटर में देख लीजिए, बहुत सारा जो ऐप है जो इसका कोलेब्रेशन के साथ आपको किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है।
और डिस्प्ले की बात करो तो 6.5 इंच का डिस्प्ले है, 920Hz का रिफ्रेश रेट है, ये तो बता ही दिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके हार्डवेयर की तरफ। तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है आप स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस पे ये बनता है आपको, और इसमें 8 GB रैम के साथ आता है, 128 GB इंटरनल है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कोका कोला एडिशन जो है सिर्फ 8 GB रैम वेरियंट में आता है, 6 GB वेरियंट में नहीं आता है दोस्तों। और 8 GB रैम है तो अप टू 8 GB रैम आप बढ़ा भी सकते हैं, टोटल 8+8 16 GB रैम 128 GB इंटरनल आपको ये फ़ोन आ जाएगा दोस्तों। और सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम आपको एंड्रॉयड 13 भी मिल जा रहा है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया दोस्तों। आप कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कंपनी ने बैक में इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया हुआ है, तो कैमरा क्वालिटी देख लीजिए ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। ये 108 मेगापिक्सल से फ़ोटो खींचा हुआ है, और ये बैक कैमरा से फ़ोटो खींचा हुआ है दोस्तों नॉर्मल मोड में, और ये पोर्ट्रेट मोड में खींचा हुआ है जो बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ये फ्रंट कैमरा आपका 16 मेगापिक्सल के साथ आया हुआ, कैमरा क्वालिटी आप देख लीजिए दोस्तों काफ़ी डिटेल इनफ है, और पर्सनली मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छा लगा। ये नॉर्मल मोड में है और ये DSLR मोड में है जो कि बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो आपको कैमरा क्वालिटी कैसा लगा दोस्तों ये प्लीज़ कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। और कैमरा में डिफरेंट स्टाइल का आपको मोड दिया, जैसे मैं आपको ये अपने नाइट मोड आपको मिल जाता है, वीडियो मोड मिलता है दोस्तों, फोटोज पोर्ट्रेट मोड दिया, 108 मेगापिक्सल का अलग से मोड दिया हुआ है। और मोड में जाने के बाद प्रो मोड, स्लो मोशन सारा चीज़ है, और डुअल व्यू का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, आगे पीछे दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों इसका फाइनल इसका प्राइसिंग की तरफ। इसका नॉर्मल एडिशन से वो 20,000 का प्राइस है, इसमें 1,000 बढ़ा दिया है, यानी कि 21,000 का ये फ़ोन में आपको आ जाता है दोस्तों। तो ये अपने प्राइस को ये वर्थ करता है क्योंकि ये एडिशन आपको अच्छा है, और 1,000 ज़्यादा है लेकिन आप वर्थ करता है दोस्तों। मेरे लिए इस फ़ोन को थम्स अप है। अगर आपको फ़ोन कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।